नमस्कार दोस्तों, आपका विवेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज अपने पैतृक गांव नकटी में हूं। यहां पे हम खेती के बारे में थोड़ा जानेंगे। हमारे चाचा जी यहां पे बैंगन और सरसों की खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि कैसे वे फसलों की खेती करके अच्छी कमाई कर रहे हैं और फसलों की खेती करने के लिए क्या क्या गुण हैं। हम लोग उनसे सीखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि खेती कैसे करें। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में यहाँ पे इन्होंने बैंगन की खेती की है। ये बहुत सघन रूप से यहाँ पे बैंगन को लगाया गया है और इसके ठीक पीछे यहाँ पे सरसों की खेती की जा रही है। चाचा जी हम लोगों को अपना खेत दिखाने लेकर आए हुए हैं। चूँकि यहाँ बैंगन काफ़ी घना है, इसलिए हम बैंगन को नहीं देख पा रहे हैं। हम कैमरे से जूम करके भी देखना चाह रहे हैं तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक बैंगन ये दिख रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी घना है। चाचा जी हम लोगों को बतला रहे हैं कि वे किस प्रकार से बैंगन की खेती आरम्भ किए हैं। ये उनका छोटा सा हिस्सा ज़मीन का टुकड़ा है, इसी छोटे से टुकड़े में वे बैंगन की खेती कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस छोटे से क्षेत्र में ही इन्होंने लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का बैंगन पिछले माह में बेचा है। ऐसा मुनाफा कमाने के बाद वे काफ़ी उत्साहित हैं और अब वो इनकी योजना आगे भी ऐसे फसल उगाने की है। ये जो बारी है ये उनके घर के ठीक पीछे है और घर के पीछे रहने के कारण ये अच्छी तरह से इसकी देखभाल कर लेते हैं। तो आइए उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर वे क्यों गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी क्या क्या खेती कर रहे हैं? बैंगन है, सरसों है, गेहूं है। बैंगन का खेती कितना है, कितना डेली फसल टूटता है? बैंगन का खेती लगभग 6 कट्ठा में है। डेली का कोई नियम नहीं है, बढ़ते जाता है, तोड़ते जाते हैं। कभी लगातार 4-5 दिन तक 60 किलो 70 किलो 1 क्विंटल तक टूट जाता है, फिर 4-6 दिन छोड़ देना पड़ता है, उसके बाद फिर 4-6 दिन के बाद टूटता है। तो किसान के लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि ये फायदेमंद है, कितना फायदेमंद है इस तरह का खेती करना? किसान को पहले सोच लेना चाहिए हमको करना क्या है, उसके बाद कोई काम मुश्किल नहीं होता है। करने के बाद पता चलता है जो छोटा काम है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे मैंने बैंगन का खेती किया, इसमें पता भी हमको भी पता नहीं था कि इतने से 6 कट्ठा में हम 40,000 रुपये का बैंगन बेच लेंगे, लेकिन लगता है 40 से भी ओवर चला जाएगा। अभी फलन है, ये है, चल रहा है। तो इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, आप कैसे सोचे कि हमको बैंगन का खेती करना है? हम लोग देखे कि एक आदमी गोड्डा तरफ से आके यहाँ खेती किया टमाटर का, जिसमें करीब 35 एकड़ जमीन हम लोग का पर्ची पड़ा हुआ था। उसमें देखे टमाटर वो लगा रहा है, 10-12 ट्रैक्टर रोज चल रहा है, 100 ट्रैक्टर उसमें गोबर दे दिया। तो हमको पता चला जब टमाटर में फायदा नहीं है सब्जी में, तो ये इतना खर्च कर क्यों रहा है। तो वही देख के हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हम भी करके देखें क्या होता है, और देखे तो सफलता बहुत ज्यादा हाथ लगी। इस साल आप ट्रायल के रूप में ऐसा किए हैं, तो अगले साल आपका क्या योजना है? अगले साल यही बैंगन और टमाटर फिर लगाएंगे। अच्छा, और गेहूं और सरसों का खेती कम करेंगे। तो फसल को बेचने के लिए आपको कोई कठिनाई हुआ या किसी? कठिनाई बहुत है, एक व्यापारी को अगर दीजिएगा तो समझेगा कि हमारे सिवा इसका कोई है नहीं। उपजाने से ज्यादा बेचने का टेक्निक है, एक जगह छोड़े दूसरी जगह पकड़े, जब वो रेट डाउन किया तीसरी जगह पकड़े, जैसे जहाँ हाई रेट में बिका वहाँ हम ले गए और वहाँ बाजार तक पहुँचा दिए। मतलब फसल करने में जितना मेहनत है उतना मेहनत है बेचने में। और बेचने में अगर ठीक टेक्निक नहीं है तो फसल लगाना बेकार है। अच्छा, तो फसल लगाने में क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है, किस किस प्रकार का इसमें छिड़काव करना पड़ता है या रख रखाव के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इस रख रखाव के लिए मान लीजिए अच्छे किस्म का कीटनाशक देना पड़ता है। अगर कम दाम का कीटनाशक दे दिए तो उसमें फूल और फल दोनों पर असर पड़ता है। अगर फल और अच्छा कीटनाशक दवाई दिए तो फल फूल पर असर नहीं पड़ता है, उसमें पैसा लगता है लेकिन उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है, कीड़ा भी नहीं लगता है और फलन ज़्यादा होता है। और खाद वगैरह का क्या, ऑर्गेनिक खाद यूज कर रहे हैं या
इसमें जैसे गोबर ज्यादा यूज करते हैं, बीच बीच में पटाने के टाइम में गोबर दे दिए, उसके बाद डीएपी पोटास देते हैं और यूरिया का मात्रा कम देते हैं। यूरिया का मात्रा ज्यादा देने से फसल खराब हो जाता है। तो पहले आप यहाँ पे क्या खेती करते थे? पहले इसमें सरसों का खेती करते थे, आलू का खेती करते थे। इसमें सरसों लगभग 60-70 किलो होता था। तो सरसों के बनिस्पत, सरसों या आलू के बनिस्पत ऐसे खेती, फसलों की खेती में आपको कितना ज्यादा मुनाफा नजर आता? बहुत ज्यादा, 20-25 गुना, 30 गुना ज्यादा। मतलब है कि 20 गुना ज्यादा फायदा हम कमा सकते हैं अगर इस तरह का खेती करें। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार चाचा जी मात्र 6 कट्ठा जमीन में बैंगन की खेती करके लगभग 40-50 हज़ार रुपया कमा चुके हैं और इनकी फसल अभी आगे और भी बिकेगी जिससे इनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। यही कारण है कि आज पूरे गांव में इनकी चर्चा हो रही है। इनके खेत को देखने के बाद हम उत्सुक हो गए उस भूभाग को देखने के लिए जहाँ पर आज करोड़ों की कमाई की जा रही है। ये हमारे नकटी गांव का ही दृश्य है। पहले यहां कुछ और मंजर था और अब यहां का नज़ारा ही बिल्कुल बदल चुका है। चारों ओर दूर दूर तक जहां भी नज़रें जा रही है सिर्फ और सिर्फ टमाटर पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। ये टमाटर की खेती औद्योगिक तरीके से यहां पे की जा रही है जिसे कुछ प्रशिक्षित लोग यहाँ कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे गांव के इस बेकार पड़े बंजर ज़मीन को लीज पर लिया है और लीज पर लेकर के यहाँ से ये लोग प्रतिदिन यहाँ से 20-25 टन टमाटर बेच रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इस टमाटर की खेती के बारे में विशेष रूप से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे टमाटर की खेती की जा रही है, इनके माल को कहाँ कहाँ बेचा जा रहा है और किस प्रकार से बेकार ज़मीन पर यहाँ करोड़ों का मुनाफा कमाया जा रहा है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और हम आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते रहें।